איראן רצתה לפגוע ביכולות אסטרטגיות של מדינת ישראל. זה דבר שלא היה בעבר. אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיות, כתבמים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. סכם את הביקור. ईरान को उसकी गलती की सजा देने के लिए, उसे ये बताने के लिए इजराइल से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है, नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जन्मदिन पर इस्फहान शहर पर हमला कर दिया, जिससे पूरा ईरान डर के साए में है। इजराइल के हमले से मौत का डर सता रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने पहली बार ईरान के इस्फहान शहर को निशाना बनाया है। इजरायली मीडिया की माने तो इस हमले से पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस्फहान शहर में बने ठिकानों को सीक्रेट हमले में निशाना बना चुकी है। जनवरी 2023 में इजराइल ने ईरान के इस शहर को निशाना बनाया था, तब 4 जोरदार धमाके हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यहां पर अत्याधुनिक हथियारों को विकसित कर रहा था। ईरान का दावा था कि इन विस्फोटों से उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। इजराइल ने वर्तमान और इससे पहले जनवरी 2023 में हुए हमले के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और ईरानी सूत्रों का कहना है कि मोसाद ने जुलाई 2020 में इसी तरह का ऑपरेशन ईरान के नतांज परमाणु केंद्र में अंजाम दिया था। वहीं फरवरी 2022 में मोसाद ने ईरान के अंदर कराज शहर में 120 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट किया था। इस्फहान शहर ईरान के मध्यवर्ती इलाके में है, जो इराक के करीब है। इस हमले के जरिए इजराइल ने चीन को भी बड़ी चोट देने की कोशिश की है, क्योंकि इस्फहान में चीन का बनाया विशाल परमाणु रिएक्टर और फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट भी है। लेकिन अब ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले की एक इनसाइड स्टोरी भी सामने आ रही है, जो बताती है कि ये हमले दिखावटी है। ये हमले इन दोनों देशों की अपनी साख बनाए रखने की कोशिश है, ताकि दुनिया इन्हें हल्के में ना ले। इस पूरे घटनाक्रम के कारण ईरान अपना चेहरा बचा सका। वहीं इजराइल ने ईरान को मैसेज दे दिया कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी निशाने पर है, और इजराइल जब चाहे तब स्ट्राइक कर उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। उसे नेस्तनाबूद कर सकता है, तबाह कर सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर 1 अप्रैल को हुए हमले के 13 दिन बाद ईरान इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला बोला। इससे ईरान ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि वो कमजोर नहीं है और किसी भी देश को जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के 99% हमलों को भले ही इजराइल ने नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान के हमले ने मिडिल ईस्ट में उसे बेहद कमजोर दिखाया। इसके बाद अपनी इस छवि को बदलने के लिए इजराइल ने पलटवार किया। इजराइल ने इस हमले से ईरान को ये दिखा दिया कि उसके पास तेहरान तक मिसाइल दागने की ताकत है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से एक दूसरे पर किया गया हमला उनकी नाक का सवाल था। दोनों ही देशों ने हमला कर कमजोर दिखने से खुद को बचा लिया, लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी अब ज्वाला बन रही है, जो और भड़की तो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। इसका मतलब है दुनिया की बर्बादी। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना।